ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणम। भगवान ऋषभ विहार कर रहे थे। दो व्यक्ति उनके पीछे पीछे घूम रहे थे और प्रतिदिन का एक नियम बन गया साथ में रहना और प्रार्थना करना, रोज की प्रार्थना। प्रार्थना यह कि प्रभु हमें भी राज्य दो। राज्य की आकांक्षा भावना। महीनों तक शायद यह क्रम चला। प्रभु मौन है, वे अपना नियम निभा रही है, तो वे दोनों पालित पुत्र वे अपना नियम निभा रहे। एक बार धर्मेंद्र भगवान ऋषभ की उपासना में आया और देखा कि दोनों मांग रहे। तब धर्मेंद्र ने कहा, ननु विनमि, तुम्हें पता नहीं है कि भगवान ने राज्य छोड़ दिया। बोले, हमें पता है। अब भगवान के पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है? कहा, मुझे पता है, हमें पता है। तो फिर राज्य कहां से मांग रहे हो? राज्य उनके पास है ही नहीं। बोले कि तुम्हें पता नहीं, हम भी तो भगवान के पुत्र हैं। शो पुत्र हैं तो हम भी पालित पुत्र हैं भगवान के। सबको राज्य दे दिया, 100 पुत्रों को 100 राज्य दे दिए और हमें नहीं मिला। हमारा अधिकार है, हम मांग रहे हैं। धर्मेंद्र ने कहा, उस समय तुम कहां गए थे? बोले, हम किसी दूसरे स्थान पर गए हुए थे और हमें पता नहीं लगा। आज का युग तो है नहीं कि यहां घटित हो सारी दुनिया में पता लग जाए, ऐसा तो उस समय था नहीं। पड़ोसी को भी पता लगना मुश्किल था और हमने भी देखा है कि कहीं कहीं कोई घटना होती तो 5-7 दिन बाद कोई पत्र आता, तब कोई पता लगता कि ऐसा हो गया है। तो हमें पता नहीं लगा कि भगवान सब दीक्षा ले रहे हैं। हम गए हुए थे, जब आए तब पता लगा कि भगवान ने सब पुत्रों को राज्य का विभाग दे दिया। हम 2 वंचित रह गए। अब हम अपना अधिकार लेंगे और राज्य लेंगे। तब धर्मेंद्र ने कहा कि देखो, यह तुम्हारी भावना फलित नहीं हो। भगवान कहां से राज्य लाएंगे जब इनके पास है ही नहीं? अगर तुम्हें राज्य लेना है तो भरत चक्रवर्ती के पास जाओ और वहां याचना करो। तब नमी बिनमी बोले कि तुम कौन आगे बीच में पंचायती करने वाले? बड़ी विचित्र बात है, हमने तुमसे मांगा नहीं, तुमसे न बात की और न हमने तुमको बुलाया और न तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा रखी। जबरदस्ती बीच में आ गए और हमें सलाह देते हो कि भारत से मांगो। कौन होता है भारत देने वाला? कौन है भारत देने वाला? आवाम याचा नहीं राज्यम, नान्यम विहाय परमेश्वरम। हम भगवान ऋषभ को छोड़कर और किसी से राज्य की याचना नहीं करेंगे। हम कमजोर नहीं है, हम भी शक्तिशाली हैं, विद्याधर हैं, किसी से याचना नहीं करेंगे।
लगता है कि भाई तुम जो हमें समझा रहे हो तुम व्यवहार को जानते नहीं हो, नहीं जानते तुम व्यवहार को। पयो मुचम विमुच्यान्यम चाटते तुम जाचते, क्या तुम व्यवहार को जानते हो? एक पक्षी होता है चातक, चातक पक्षी वह मेघ के सिवाय मेघ की बूंदें झड़ती है तो पानी पीता है और किसी के साथ तालाब आदि में जाकर पानी नहीं पीता। तो भला हम कैसे भगवान को छोड़कर और दूसरे के सामने हाथ पसारेंगे कि हमें राज्य दो? हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो अपना अधिकार ले रहे हैं और उलाहना भी दे रहे हैं कि भगवान आपने सबको दे दिया, हम दोनों को कैसे भुला दिया आपने। याचना हर जगह नहीं की जाती, उसका भी अपना एक क्षेत्र होता है। वे जानते थे, स्वयं जानते थे कि भगवान के पास न कोई भूमि है, न कोई पैसा है और न कोई सत्ता है, कुछ भी नहीं है। सबको छोड़कर और मुनि बन गए हैं, बात रसना मुनि ऋग्वेदों का या उपनिषदों का शब्द है जिनके लिए, कि बात रसना मुनि, बात रसन मुनि बन गए हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं, सर्वथा अपरिग्रही बन गए हैं, फिर भी एक मन की जो भावना थी उस भावना के आधार पर बराबर क्रम चला। जैन रामायण का एक प्रसंग बहुत अच्छा है, जब राम ने सुग्रीव से पूछा कभी लंका में सीता है, पता लग गया, सारी बात हो गई, अब हमें जाना है, सीता को लाना है और रावण को परास्त करना है, पर सुग्रीव बताओ लंका कितनी दूर है। वो थोड़े में सुग्रीव ने जो कहा और लेखक ने, जैन रामायण के लेखक ने इतना सुंदर लिख दिया। सुग्रीव ने कहा, महाराज आलसियां अलगी घनी उद्यमवंत है यू, बस जो आलसी है उसके लंका बहुत दूर है और जो उद्यमी है, साहसी है, दृढ़ मनोबली है, दृढ़ निश्चय वाले हैं, उनके लिए लंका ये सामने ही तो है, आपको कहीं जाना ही नहीं, आपको दो पैर पर लंका है। आप जो दृढ़ निश्चय की बात है वह सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है, पर कम लोग उसको पकड़ पाते, निश्चय नहीं कर पाते और निश्चय दृढ़ नहीं होता। सुबह किया दोपहर में बदल गया, दोपहर में तो बहुत बड़ी बात है, बीच में पता नहीं कितनी बार बदल जाता है, दोपहर में किया तो शाम को बदल गया, पता नहीं दिन में कितनी बार आदमी संकल्प करता है, निश्चय करता है और कितनी बार बदल जाता है। अगर 100 बार करता है तो 150 बार बदल जाता है, बड़ा विचित्र होता है। सफलता के लिए आवश्यक है दृढ़ निश्चय, दृढ़ व्यवसाय और दृढ़ संकल्प। मैंने अनुभव किया कि जो कुछ हुआ है उसमें आचार्य तुलसी का दृढ़ संकल्प बहुत कारगर हुआ। उनका जो संकल्प था, एक समय था कि लोग 13 पंथ को बहुत छोटे स्तर पर चर्चित करते थे, उन शब्दों का उच्चारण करना भी अच्छा नहीं लग रहा, डॉक्टर ग्लाजनप जो जर्मन विद्वान, उन्होंने पुस्तक लिखी जैनिज्म पर, दिल्ली में मिले, बातचीत चली, तो आचार्य वर ने कहा कि आपके गुरु हमारे गुरु से मिले थे, उनके गुरु डॉक्टर हरमन जैकोवी और हमारे गुरु गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरु पूज्य कालूगणी, तो पूज्य कालूगणी से लाडनो में मिले थे और 3 दिन साथ रहे थे।
तब फिर आगे कहा, आपने जो जैनिज्म पर पुस्तक लिखी है उसमें 13 पंथ के बारे में 4-5 पंक्ति हैं, ज्यादा नहीं, और वे भी कि 13 पंथी जो चूहा बिल्ली की चर्चा को लेकर, तो प्रसिद्ध था कि समय 13 पंथी चूहा बिल्ली की चर्चा। तब आचार्यवर ने कहा, आश्चर्य है कि चूहा बिल्ली, भारत के चूहा बिल्ली आपके जर्मनी में भी पहुंच गए। किंतु एक संकल्प किया था पूज्य गुरुदेव ने कि हमें इस सारी स्थिति को बदलना है, सारे वातावरण को बदलना है। एक संकल्प किया और संकल्प का परिणाम थोड़े वर्षों में यह आया कि सारा वातावरण बदल गया और आज वह स्तर कहाँ पहुंच गया मैं नहीं कह सकता। जब भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक आई, पूज्य गुरुदेव ने द्विशताब्दी पर, 13 पंथ द्विशताब्दी पर मुझे कहा कि आचार्य के भिक्षु को, भिक्षु के दर्शन को एक दार्शनिक स्तर पर प्रस्तुत करना है। मैंने लिखी पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन, और वह जब विद्वानों के पास पहुंची और विद्वानों के विचार आए तो आचार्य वर ने एक दिन लाजनों में कहा, अब हमें संतोष है कि सारी स्थितियां बदल गई। जब डॉक्टर सतकड़ी मुखर्जी ने कहा कि आचार्य भिक्षु के विचार तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर वे जर्मनी में जन्मे होते तो उनका कितना मूल्यांकन होता, कांट से भी ज्यादा उनका महत्व होता। 2 दिन पहले ही मेरे पास एक पत्र पहुंचा है, कस्तूरबा ट्रस्ट है पास में मरौली है क्या, मरौली का, वहाँ के एक विद्वान और वहाँ के कार्यकर्ता का पत्र पहुँचा है कि मुझे भिक्षु विचार दर्शन मिल गया। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद जो मैं धर्म में कोई विश्वास नहीं कर रहा था, मेरी सारी धारणा बदल गई है। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा। तो ये सारा परिणाम है दृढ़ अध्यवसाय का और दृढ़ निश्चय का। हमारा निश्चय दृढ़ हो कि हमें बदलना है, वातावरण को बदलना है, स्थिति को बदलना है, अपने व्यक्तित्व को बदलना है, तो आदमी बदल सकता है। किंतु उसके लिए जितना अध्यवसाय होना चाहिए, जितना निश्चय होना चाहिए, वह हो तो बदल सकता है और निश्चय न हो तो फिर बदल नहीं सकता। जैन विद्या, जैन दर्शन विश्व के अंचल तक पहुंच रहा, एक बड़ी कमी थी, और बहुत सारे दर्शन पहले ही पहुंच चुके। जैन लोग सदा उदासीन रहे इस क्षेत्र में, किंतु अब आचार्य वर के प्रयत्नों से साहित्य और समण श्रेणी, इन दोनों के माध्यम से विश्व के अंचल तक पहुंच रहे हैं और विश्व के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अनुभव करें कि हमारे पास बहुत है। जर्मनी में कॉन्फ्रेंस थी, सोहनलाल गांधी जो अणु विभाग के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने महावीर के अर्थशास्त्र पर एक पेपर पढ़ा। पूरी कॉन्फ्रेंस में चर्चा का विषय बन गया कि क्या 2500 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने इतना गहराई से चिंतन किया था। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने बताया कि एक पुस्तक भी है, इकोनॉमिक्स ऑफ महावीरा, और जब उस पुस्तक की सारी प्रतियां समाप्त हो गई, मांग हो गई कि इसमें कुछ है जिसके आधार पर यह पेपर लिखा गया है, तो आज इस बात का संतोष है कि एक आध्यात्मिक धर्म, जैन धर्म विशुद्धतः आध्यात्मिक धर्म है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना गहराई से चिंतन किया है और उसकी आज के विश्व को सबसे ज़्यादा जरूरत है, इसलिए उसकी मांग भी है। अगर हम ठीक जैन विद्या, जैन दर्शन के विचारों को विश्व के अंचल तक पहुंचा सकें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है मानवता के लिए। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ौदा, जब हम आ रहे थे अहमदाबाद से,
मुंबई जाते समय बड़ौदा पहुंचे और अनेकांत पर जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय की ओर से कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बहुत सारे विदेशी आए थे। मेक्सिको के एक प्रोफेसर आए थे, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने जब सारा जाना अनेकांत के बारे में, तो उन्होंने कहा हम अपने विश्वविद्यालय में अपने कॉलेज में अनेकांत को पढ़ाना चाहते हैं। तो जो वाइस चांसलर सुधा मई जी, उनको आमंत्रित किया, वे वहाँ गई और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। तो आवश्यकता है पहुँचाने की। बहुत सारे लोग जो धनवान है, धनी है, धन का अपव्यय कर व्यय भी करते हैं, उनको अपव्यय हम क्यों माने, तो उनके व्यय करने का क्षेत्र क्या है कि विवाह में कितने लाख का दहेज दिया, कितना पंडाल कैसा बनाया, भोजन कैसा किया, आदि आदि अनेक बातें हैं, उनमें शक्ति का व्यय होता है। किंतु एक धर्म के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, जैन दर्शन के क्षेत्र में हमने कितने विद्वानों को तैयार किया, कितने विद्वानों तक अपने साहित्य को पहुंचाया, विचारों को पहुंचाया, अगर इस क्षेत्र में काम हो तो शायद जैन समाज बहुत शक्तिशाली समाज बन सकता है। और वैचारिक दृष्टि से पता नहीं कितने लोग आ सकते हैं। मैं तो देखता हूँ कि आज विश्व भर के लोग आने को तैयार। रात मेरे पास रशिया का जो मंडल आया था इंटरनेशनल सेंटर में, परीक्षा सेंटर में भाग लेने के लिए, परीक्षा शिविर में रात बैठे थे वे 22 लोग। अब उनकी भावना, भक्ति, श्रद्धा को देखें तो ऐसा लगता है कि 7 पीढ़ी के नहीं, शायद 9 पीढ़ी के पुराने सराव। और भी न जाने क्या क्या चाहते, एक भावना है। उन्होंने, एक भाई आया मेरे पास और बोला कि इन्होंने शिविर के लिए 4 लाख का अनुदान किया। मैंने कहा तुमने क्यों लिया? फिर मैंने उनसे कहा इनको बताओ कि यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, जो आपने अनुदान दिया है तो रशिया से और लोग आने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप संपर्क में लाएं, बस इतना आपके लिए काफ़ी। तो एक वातावरण है, अगर हमारे पास कुछ देने को न हो तो कोई आएगा भी नहीं। किंतु हमारी ऐसी परंपरा है, आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य भिक्षु, जयाचार्य, आचार्य तुलसी और भी न जाने कितने आचार्य और कितने साधु साध्वियाँ, अच्छे गंभीर ज्ञानी ध्यानी हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जो संपत्ति हमारे पास है। और वर्तमान में भी हमारे बहुत साधु साध्वियाँ, समणियाँ, सब सारी समण समणी सब, और श्रावक भी कुछ से, श्रावक भी कम नहीं हुए। मुझे याद आता है कि श्रीचंद जी रामपुरिया होते तो कितना बढ़िया काम होता। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया है शायद कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं आता, इतना बड़ा काम रामपुरिया जी ने किया। तो ये सारा है। अब तो एक ही है, आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो राष्ट्रपति को एक बार बुलाओ तो भी मुश्किल से आते हैं, और अब हाँ लगभग 1.5 वर्ष में 3-4 बार तो आ गए। और मैंने कहा कि अब तो हमने, आप तो कहते हैं दिल्ली आए, हमने बना लिया पहले से ही निर्णय कि उदयपुर, सापेक्ष होता है निर्णय फिर भी। तो उन्होंने कहा उदयपुर आ जाऊंगा, फिर भी दिल्ली में काम ज़्यादा, आने में कोई कठिनाई नहीं है। तो क्यों आते हैं बार बार? पत्रकार भी पूछते हैं मुझे कि बार बार क्यों आते हैं। भाई उनसे पूछो, मुझे क्यों पूछते हैं, मैं तो आता नहीं हूँ, आप तो उनसे पूछिए ये बात क्यों आते हैं बार बार। इसका मतलब है कि धर्म को आचार्य तुलसी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया और उसको हम जब आगे बढ़ा रहे हैं तो वह अपने आप सर्वमान्य हो रहा है।
तो इस पर सब ध्यान दें और कुछ चिंतन करें कि काम कैसे होना चाहिए। और इसमें ये जो पुरस्कार सारी प्रक्रिया, ये समाज की एक आवश्यक प्रक्रिया होती है कि समाज में कोई भी व्यक्ति श्रम करता है उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया है, और कोई नए राशि का सवाल है। स्वयं इतने समर्थ होते हैं कि उनको कोई नए धन की जरूरत होती नहीं, और पर एक प्रोत्साहन और एक सम्मान होता है। आपको पता है कि गुलाब कोठारी का होने वाला है जो राजस्थान पत्रिका के मालिक हैं, और इतनी बड़ी संपन्नता है, पर जब यह घोषणा हुई कि उनको आचार्य तुलसी सम्मान दिया जाएगा तो सारे उनके पत्रिका के सारे परिवार में एक प्रसन्नता हो गई। एक मूल्यांकन होना समाज में बहुत बड़ी बात है। मूल्यांकन नहीं होता वह समस्या पैदा होती है। तो इस प्रकार हम वैचारिक जगत में, दार्शनिक जगत में और चिंतन के जगत में हम आगे बढ़ते रहें। और बहुत सारे युवक आज पढ़े लिखे, बहुत समाज में इतने युवक हो गए अब कि पहले तो खोजना मुश्किल था, आज तो कल्पना, ये इतने युवक हैं काम करने को तत्पर हैं। अभी मैं भीतर बैठा था तो प्रकाश बरमेचा, जो लंबे समय से योजना बना रखी, इतनी बड़ी योजना है कि कैसे विचारों को पूरे विश्व में पहुँचाएँ, बात हमारी लंबे समय तक बात हो रही थी। हमारे वाइस चांसलर भी वहाँ थी और दूसरे लोग भी थे, शादी विश्व विवाह थी, और सारा एक चिंतन चला कि किस प्रकार योजना को क्रियान्वित किया जाए और कार्य आगे बढ़े। तो सब लोग युवक अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं कि कैसे हमें सेवा देना है और कैसे जो अतीत में भूले कि उनका प्रायश्चित करना है। ये मानना चाहिए अतीत में जिन लोगों ने बहुत भूल की है, नहीं तो आज शायद विश्व की समस्या सुलझाने में बड़ा योग होता। अब उनका प्रायश्चित मान लो या प्रोत्साहन मान लो या एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है तो उससे जैन समाज का भी भला होगा, जैन विद्याओं का दुनिया को लाभ मिलेगा और शायद मानव जाति को भी अपनी समस्या सुलझाने में बड़ा योग मिलेगा। ओम।